Hi friends, welcome to our channel. Today, UPSC ASSISTANT COMMANDANT की 2018 का notification निकल चुका है, तो उसके बारे में पूरा information जो है अपना channel की तरफ से जो है आपको मिलने वाला है. तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आपको important चीज सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है? तो आपके बिना waste करते हुए, ठीक है? आप हमारा screen पे जाना होगा, screen पे जाके पूरा information आपको देख सकता है. और यहाँ पे इस साल जो है मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है? थोड़ा ज़्यादा स्कोप्स है, आपको जो है कट ऑफ थोड़ा कम भी जाने का चांसेस है, ठीक है? तो हम लोग जो है डोंट वेस्ट अवर टाइम, अभी चलेंगे स्क्रीन पे. चलिए, जैसा कि हम लोग देखेंगे ये नोटिफिकेशन जो है 25/4/2018 अभी जस्ट निकला है. तो हम जो है सबसे पहले आपको पहुँचाने के लिए कोशिश किया आपके पास. तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन की क्या आपकी खासियत है, ये चीज़ पूरा जो है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये सब जो है आपको इस वीडियो के अंदर में बताएंगे. तो ये एप्लीकेशन जो है सिर्फ जो है ऑनलाइन मोड पे आप फॉर्म भर सकते हो, ऑफलाइन मोड में बिल्कुल नहीं भर सकते हो, ठीक है? ये जो है आपको लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 21 May 2018 टिल 6 PM, ठीक है? 1800, ठीक है? मतलब 6 बजे तक आप भर सकते हो 21 May तक, ठीक है? और उसके बाद में जो है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नेगेटिव मार्किंग जो है आपको एग्जामिनेशन होगा, ठीक है? एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होगा. और उसके बाद में ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है हर साल, इस बार भी OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा. जैसा कि आज की डेट में डिजिटल एग्जामिनेशन है, लेकिन यहाँ पे आपको टेस्ट बुकलेट देगा और उसके साथ साथ में आपको OMR के साथ में आपको भरना होगा, ठीक है? मतलब एग्ज़ाम लिखना होगा. और इस एग्ज़ाम कैसा होता है, क्या होता है, उसकी आगे में बताएंगे, ठीक है? और कुछ भी इस नोटिफिकेशन के बारे में डाउट्स है तो यहाँ पे दिया हुआ नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो, ये सीधा UPSC बोर्ड आपसे बात करेगा. और उसके बाद में एग्ज़ाम सेंटर में ये जो है मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जो है बैंड है, ये सब पता है. अभी जाते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, नोटिफिकेशंस के बारे में जाते हैं. यहाँ पे जो है BSF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF है, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP और SSB जो है, ये सब जो है नोटिफिकेशन में है. मतलब BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, ठीक है? इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है CRPF में है और टोटल जो है 3398 है, ठीक है? बहुत अच्छी बात है इसमें. और जो है इसमें बोथ और एलिजिबल, ठीक है? बोथ और एलिजिबल, जैसा कि मेल एंड फीमेल, ठीक है? मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? उसके बाद में इसकी नोटिफिकेशन आप भरने से पहले एक बात पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले भरेगा, जो सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन है, जो सबसे पहले भरेगा उसी को जो है मिलेगा सबसे पहले अलाटमेंट. जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल अगरतला का आप है तो सबसे पहले भरना होगा. अगर वहाँ पे सीट फिल हो जाता है तो आपको दूसरा जगह दिया जाएगा, ठीक है? ये कोशिश करिए जल्दी से जल्दी आप भरने के लिए, ठीक है? एग्जामिनेशन ये सारा जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, सो आपकी जो नज़दीक है वो चीज़ को भर देना, ठीक है? और उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, ठीक है? तो ये कोशिश करो जल्दी से जल्दी भरने के लिए. और उसके बाद में आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ये जो है आप इंडियन होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहली बात है. और उसके बाद में जो है बोथ मेल कैंडिडेट, मेल और फीमेल दोनों होना चाहिए. और उसके बाद में एज लिमिट्स क्या चाहिए, ठीक है? जो जनरल होता है मिनिमम 20 इयर्स और मैक्सिमम 25 इयर्स, और जो OBC है उसको 3 इयर्स मिलेगा, और SC ST का बिलोंग करता है उसको 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो बंदा जो सर्विस करता है उसको भी 5 इयर्स मिलता है, ठीक है? ये चीज़ आपको क्लियर होगा. और इस जो डेट ऑफ बर्थ जो है किस डेट से आपको दिया जाएगा, ठीक है? 1 August 2018 तक जो है आपकी 20 इयर्स या 25 इयर्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए. मतलब ये 1 August 2018 को देखा जाएगा जो कट ऑफ डेट है, ठीक है? यहाँ पे दिखाया है ई शी मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लर देन 2 August 1993, ठीक है? मतलब इससे
आपको मतलब इससे बाद में ही बर्थ होना है, और उसके बाद में नॉट लेटर दैन 1 अगस्त 1998, ठीक है, इससे ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में इस एग्ज़ामिनेशन की मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और इसकी एग्ज़ामिनेशन की कुछ भी डाउट्स हैं आपको जो है आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो, ठीक है, कमेंट रूप से, और कुछ पर्सनल से भी बात कर सकते हो। और यहाँ पे एनसीसी वगैरह होने से भी आपको जो है कुछ बेनिफिट मिलेगा पर्सनलिटी टेस्ट में, जैसे एग्जामिनेशन जो आपकी इंटरव्यू जो फॉलो करते हो उस टाइम पे फीस जो है 200 रुपीज़ आपको होगा, ठीक है, 200 रुपीज़ फीस होगा, जो एससी एसटी और लेडीज़ होगा उसके लिए फीस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सीधा एक्सेप्टिंग फीमेल एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स। और उसके बाद में इस एग्जामिनेशन की फ़ीस जो है ऑनलाइन पे या ऑफलाइन पे भर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पे भरिए, ठीक है। और उसके बाद में आपकी एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह जो है आपको बताएंगे, और इस लास्ट डेट को आप ज़रूर याद रखना, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 21 मई 2018 टिल 1800, मतलब शाम को 6 बजे। और उसके बाद में आपकी इम्पोर्टेंट जो भी है, मतलब जो फॉर्म भरते हो उस टाइम पे आपकी जैसा 10th क्लास सर्टिफिकेट में वैसे ही भरना होगा, अगर गलत भरते हो तो आपकी नुकसान है, ठीक है। और उसके बाद में आपकी एग्जामिनेशन होने के बाद में PET एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट की क्या क्या क्राइटेरिया हम देखेंगे, ठीक है। 100 मीटर्स रेस होगा, मेल्स के लिए 16 सेकंड्स में आपको दौड़ना होगा, फीमेल्स के लिए 18 सेकंड्स में। और 800 मीटर रेस होगा, मेल्स के लिए 3 मिनट 45 सेकंड्स बहुत ही अच्छे से दौड़ सकता है, और फीमेल्स के लिए 4 मिनट 45 सेकंड्स। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर्स और फीमेल्स के लिए 3 मीटर्स आपके होगा। शॉर्ट पुट 4.5 मीटर्स ओनली फॉर मेल्स नॉट फॉर फीमेल्स, ओके, फीमेल्स के लिए शॉर्ट पुट नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिया है उसके लिए जो है फीमेल्स के लिए प्लीज़ रीड इट, ओके। और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट जो है, जो भी बंदा एग्जामिनेशन, ठीक है, यहाँ पे दिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाई इन द मेडिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट, जो है फिजिकल PET के बाद में आपकी इंटरव्यू होगा, ठीक है। उस बंदा इंटरव्यू में मार्क्स कितना होगा, 150 मार्क्स एग्जामिनेशन होगा आपके फाइनल इंटरव्यू में, ठीक है। और इसकी होने के बाद में ही आपको जो है फाइनल मेरिट होगा। यहाँ पे पेपर वन आपकी क्या क्या होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पेपर वन जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंसी में आपको इस सारा जो है चीज़ आपको होगा, आपको मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन हम देंगे, ठीक है। ये पेपर वन जो एग्जामिनेशन होता है 125 क्वेश्चंस होता है इंटू 2 मार्क्स, ठीक है, ईच वन हैव 2 मार्क्स, सो टोटल इज 250 मार्क्स का होगा। और उसके बाद में पेपर टू जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, मतलब पेपर वन 250 और पेपर टू जो है 200 प्लस टोटल मिला के 450 होता है। तो दोनों में आपको क्वालिफाई होना है, पेपर वन में जो कट ऑफ में क्वालिफाई होता है उसी को जो है पेपर टू को एवेलेबेट किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब पेपर वन पास होना है आपको, तभी जो है पेपर टू आपको करेक्शन करेगा, ये टोटल मिला के कट ऑफ निकलता है, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या इम्पोर्टेंसी है, अगर किसी भी चीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन आप अगर लेना चाहते हो तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू अवर चैनल, ओके, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप जो है कोई बंदा बाहर से सिविलियन है, वो बंदा अगर जो है फोर्स में ज्वाइन करना चाहता है, थोड़ा बहुत भी अगर आपके डाउट्स हैं तो हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप जो है डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। कुछ मटेरियल्स भी अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है, आप ले सकते हो UPSC असिस्टेंट कमांडेंट का। थैंक यू, मैं समझता हूँ कि आप लोग को ये पूरा इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। फिर मिलता है एक और नवडिक साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।